इफ कोवेरियंस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ आइटम इज 7, 10 पेयर है मतलब n इक्वल्स टू 10 है बच्चे, एंड कोवेरियंस गिवन है, एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज 36, वेरियंस ऑफ एक्स क्या है 36, ये बताओ। अब मैं सर मेरे मन में है, मैं जरूरत नहीं है, मैं फिर बताता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, √36, क्योंकि अब क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस के ऊपर रूट कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या अच्छी हो जाएगा। खैर जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि वाई माइनस वाई स्क्वायर दिस वन इक्वल टू 9। ओहो, एक दूसरी सीरीज के बारे में बात कर रहा है क्या ये, कह रहा है यहां होना चाहिए था आपके पास में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐसे होगा 90। ये क्या है, y एक सीरीज है, उसमें से उसका मीन माइनस कर रहा हूं, डेविएशन है, फिर उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, समझ रहे हैं? y सीरीज में से उसका मीन माइनस करा और फिर नेगेटिव भी आया तो मैंने उसका स्क्वायर करा। अगर मैंने स्क्वायर तो कर दिया, अगर मैंने डिवाइडेड बाय यहां पर n कर दिया, डिवाइडेड बाय अगर मैंने n कर दिया, समझिएगा, अगर मैंने बस इस पर डिवाइडेड बाय n कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास में क्या वेरियंस ऑफ y नहीं आ जाएगा, बताओ वेरिएंस ऑफ वाई नहीं आएगा क्या? आज छुट्टी नहीं रखी थी, कल अकाउंट्स का पेपर है, कल आए तो थे आप लोग। अच्छा कल आप अकाउंट्स का पेपर नहीं था, नहीं। आज ऑफ है, कल क्लासेस आप लोग की। मैसेज भी तो करा हुआ था ग्रुप में, और कल बैच में बताया हुआ है, बच्चों से पूछा था कल। हाँ जी देखो, 9 डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या, 90 डिवाइडेड बाय एन आपका 10 है, तो आपका 9 हो गया वेरिएंस ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकाल सकते हो क्या आप? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई तो क्या होगा 3। अब आपका दो फॉर्मूले है ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड आउट आर, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्लियर है? और आर कैसे फाइंड करोगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई 7। अब आप कर दो अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स, ये वेरियंस एक्स है, और इनटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ वाई, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या है इसका बताइए जरा, कोवेरियंस एक्स एंड वाई, अब कुछ भी लिख दो, आपके पास वेरियंस भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस से रूट कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई फर्क क्या पड़ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ क्या है आपके पास में 7, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है आपके पास में 6 वाई 3 आर इक्वल्स टू 7/18। भाई मेरे बात समझ में आई या नहीं आई बताइए जरा, ये फॉर्मूला याद हो गया? बताओ बच्चे, आपकी फीस तो मेरे, मैं इतना मेरे एक चैप्टर में ही आपकी फीस मतलब मान के चलिए वसूल हो गया है, एक चैप्टर ही पढ़ा दिया तो। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं? रियलिटी और क्लासेस लेके तो देखिए, और इस 20-15 हजार रुपए ऑफलाइन में भरने के बाद भी आपको ना तो फॉर्मूला इजी करवाया जाता है, नहीं कुछ भी, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि चीजें आपके लिए आसान से आसान हो, आपका दिल खुश हो जाए कि भाई भगवान ऐसा भी हो सकता है क्या कि पढ़ाई इतनी आसान हो सकती है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस आप लोग क्लासेस यूट्यूब पर शेयर नहीं करते यार जाकर के,
देखो, हाँ जी, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज द 0.4। कोई बात नहीं, निकालना नहीं है, दिया हुआ है। एंड देयर कोवेरियंस इज 10। फॉर्मुला तो वही लगेगा कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का, बस एक को ही मिस करके बैठा है। इफ द वेरियंस ऑफ एक्स इज 9, फाइंड द सेकेंड मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द वाई सीरीज। बताइए जरा, सेकेंड मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट का मतलब क्या? वेरियंस ऑफ वाई बताना है आपको। क्या बताना है? वेरियंस ऑफ वाई बताना है आपको। एन की वैल्यू निकालिए, मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ वाई सीरीज। मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द वाई सीरीज मतलब वाई में कितने आपके पास में मूवमेंट है, कितने एन है वाई सीरीज में। देखिए, वेरिएंस ऑफ वाई बताना है। हाँ जी, ध्यान समझिएगा, मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ वाई सीरीज इसका मतलब क्या होता है? वेरियंस ऑफ वाई, दिस वन, खत्म सवाल। फॉर्मूला वही लगाओगे और करोगे क्या? आर इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर क्या है? 0.4, कोवेरियंस क्या है 10, वेरियंस ऑफ एक्स है और हमें को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 3। डेविएशन ऑफ वाई सॉल्व करेंगे हम यहां पर, तो हमारे पास में यहां आ गया 10 इंटू 10 अपॉन 4, 25 अपॉन 3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या आ गया? 25/3। आपको पता है वेरिएंस के ऊपर अगर रूट कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस, सिंपल सी बात है। तो वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के ऊपर स्क्वायर। तो वेरिएंस का रूट करने का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देने का, तो वापस आपको वेरियंस मिल जाएगा 8.33 का स्क्वायर कर दो। 8.33 गुणा 8.33, 69.3889, दिस वन आपका ये आंसर है। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सही। आर दिया हुआ है सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेयर द एक्स एंड वाई आर द डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम एन। चलिए करिए, ये 90 की बने। ये 90 है, कर दोगे? करो बच्चे जरा, पेपर तो बहुत हल्का आपका पेपर में आता है, लेकिन चलिए, अगर आपके पास में ये बेस नहीं आया ना तो CFA का कोर्स कर पाओगे आप, डाटा एनालाइज का, नहीं तो आप MBA कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ईमानदारी से पढ़ें, पासिंग मार्क्स के लिए ना पढ़ें, नहीं तो सच्चाई आपको पता है कि नौकरी फाइनली आपकी काबिलियत पे मिलती है। PhD वाले हो, अगर काबिलियत नहीं है, सिर्फ क्लास क्लास करते आगे बढ़ता चला गया पर नॉलेज नहीं है उसके पास में, तो इंटरव्यू में उनका PhD और उनका MPhil सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है, उनको घर भेज देते हैं सीधा। और एक 12वीं पास वाला अगर नॉलेज के साथ में उतर गया ना इंटरव्यू में, तो कंपनी उसका सिलेक्शन करती है, क्योंकि कंपनी को अपना काम लेना है, उनकी डिग्रियों का उनको अचार नहीं डालना। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि हम PhD हैं, हम ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है,
बिठा के एक बार पूछ तो लो कि पीएचडी क्या करा है, तो उसमें क्या नॉलेज आपकी है, सारी पीएचडी निकल जाएगी। 100 में से 33 नंबर, आधे ये 1/3 मार्क्स ला कर करके, आपको क्या लगता है कि आप नॉलेज वाले बन गए? एन निकाले बच्चे, देखिए आर इक्वल्स टू, पहले वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, आर इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बट कोवेरियंस तो गिवन ही नहीं है, सिग्मा ये है आपके पास में, तो आर इक्वल्स टू ये सिग्मा एक्स वाई, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला यहीं से तो बनता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। पहले एक चीज निकाल लेते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ले लेते हैं, यहीं से कर लेंगे, आर सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। आर की वैल्यू क्या है, 0.8, सिग्मा एक्स वाई क्या है मेरे पास में, 60 अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं है तो, लेकिन निकलता कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स कैसे होता है पता है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, नहीं पता ना आपको तो छोड़ो, आपको नहीं पता तो जो चीज नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पता है ना आपको क्या है, 2.5। मैं जो करता ही नहीं, नहीं पता आपको, नहीं पता, सीधी सी बात है, तो 0.8 इक्वल्स टू 60 सही है, 2.5 सॉल्व करेंगे, 60 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू 2.5 सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, सिक्सटी डिवाइडेड बाय 2.5, 60 डिवाइडेड बाय 2.5 24, 24 डिवाइडेड बाय दिस 0.8 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, 0.8 डिवाइडेड बाय 24 क्या आया, चलिए कोई नहीं कर देते हैं, 0.8 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, बात समझ गए, और सिग्मा एक्स स्क्वायर के आपके पास में 90, इस बात को समझिए आप कि सिग्मा एक्स स्क्वायर कुछ गड़बड़ करा है हमने, अपॉन एन एंड वेरिएंस ऑफ दिस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, एन से एन कट गया तो फिर वैल्यू किसकी फाइंड कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में, एन इक्वल्स टू 10 तो सही आंसर है आपका,
ये रूट है ना, दिस वन 0.8/24 इक्वल्स टू 1/n * सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन टू जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर के हमारे पास में 90/n। ठीक है बच्चे, अब n यहां पर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास में n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √n/√n। भाई 5 को मैं लिख सकता हूँ ना √5/√5, तो 5 ही तो हुआ, √n/√n लिख सकते हैं ना, एक कट गया आपका √n। ठीक है, 90 बचा, रूट आपके पास में 90 बचा, तो √90 मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, 90 का रूट 9.48। तो क्या रिजल्ट आएगा मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, समय नहीं बचा है मेरे पास में। 0.8/24 * और स्पेस नहीं है सर, क्या कैलकुलेशन करूंगा। ये कहां गया, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, दिस वन थोड़ा सा छोटा स्पेस में ही करना पड़ेगा। देखो बच्चे, आर इक्वल्स टू फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मेरे पास में सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन। क्लियर है बच्चे, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, तो मेरे पास में मुझे दिया हुआ है 60, पर मुझे यहां पर एन के बारे में अभी फिलहाल नहीं पता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है वेरियंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, और सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन का मतलब हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास में 90/n। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 90, और उसी तरीके से हमारे पास में बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, खैर ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है 2.5 दिस वन। अब क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में दो एक मेथड थे, बट इसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए बेटर है। 0.8 इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है आपके पास में 60/n, एंड मल्टीप्लाई जो चीज नीचे आएगी वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे आएगा ना, तो 1/ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या आया मेरे पास में √90/n, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या आया मेरे पास में 2.5।
सॉल्यूशन में अगर आप करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 2.5 24, तो 0.8, और यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 24, तो 24 आपका यहां नीचे आ गया, पॉइंट के 0, 8 या 24, 1/30 आया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आया आपके पास में, 1/(n)√90/n, रूट। सॉल्व करेंगे इसको, 1/30 = 1/(n)√90/√n, एंड 1/30 = 1/(n)√n, n को मैं लिख सकता हूं ना, √n/√n, तो ये n ही तो हुआ, और √90/√n, तो एक कट गया, तो क्या है आपका 1/30 = 1/√90n, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास में, √90n = 30, एंड 90n = इसका स्क्वायर कर देंगे 900, और ये कट गया, n = क्या है आपका 10, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, समझ गए? मैंने n को √n/√n लिख दिया ताकि मेरा वो जो है मेरा वो कैंसिल हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन एंड कमेंट द रिजल्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिस, अर्थमेटिक मीन ऑफ x मतलब एवरेज ऑफ x, arithmetic mean of y this, the summation of product of the deviation from the actual arithmetic means of the two series, kya keh raha hai, summation of product of deviation from the actual arithmetic mean of the two series, matlab summation x/(y) = diya hua hai, deviation kya hota hai, small x and y iska product ka sum diya hua hai 24, clear hai bachche, aur aapke paas mein observation 20, to kya formula hota hai, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस कैसे निकलेगा, अब आपका कोवेरियंस तो है ही नहीं एक्स और वाई, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन होता है ना, तो सिग्मा एक्स वाई तो आपको दिया हुआ है ना 24, और अपॉन एन, एन क्या दिया हुआ है आपका 20, 1.2 आएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा देख सकते हैं ना, r कोवेरियंस ऑफ x एंड y आपके पास में कितना है 1.2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हुआ 10, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हुआ 12, तो 1.2 अपॉन 120, क्लियर है बच्चे, जीरो कट गया 0.001, ठीक है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में रम गया होगा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता है, बार बार देखना पड़ता है आपको, तब चीजें आप अच्छे से कर पाएंगे। अब अगली क्लासेस में हम आगे जाएंगे, सेम क्वेश्चन प्रोग्राम में आया हुआ है 2005 में, 6 में और 89 में, तो आप ये मत सोचिए पुराना क्वेश्चन नहीं आते हैं, 89 वाला 2005 और 6 में बैक टू बैक रिपीट मार गया, और 89 कब था, मेरे जन्म से बहुत पहले की बात है। हाँ जी, भी देखिएगा n समझ में आ रहा है, समीशन ऑफ x, डेविएशन ऑफ x है बेसिकली, डेविएशन ऑफ y है, और आपके पास में x माइनस दिस वन, तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, कोरिलेशन जल्दी ही खत्म कर सकते हैं, थोड़ा और एफर्ट्स लगा करके जल्दी इसमें स्पीड बढ़ाएं, तो हम मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू सो मच।